नहर में डूबने से 3 मासूम बालिकाओं सहित मासूम बच्चे की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच जिले के कोतवाली ननपारा अंतर्गत गिरधरपुर गांव के ठीक सामने नहर स्थित है। नहर में इस समय काफी पानी भरा हुआ है। इस नहर में गर्मी अधिक होने के कारण गांव निवासी आचल 12 वर्ष, आचल उम्र 12 वर्ष, चोइनी 10 वर्ष, राहुल उम्र 13 वर्ष, माही उम्र 14 वर्ष स्नान करने गए हुए थे। दोपहर 12 बजे सभी स्नान कर रहे थे। इसी दौरान स्नान करते समय पैर फिसलने से सभी बच्चे पानी में डूब गए। कुछ देर पश्चात परिवार के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो नहर के निकट कपड़े और चप्पल मिले, जिस पर सभी ने नहर में खोजबीन चालू की। ग्रामीणों की मदद से नहर से आचल, चोइनी और राहुल का शव बरामद कर लिया गया, जबकि माही का कुछ पता नहीं चल सका। गांव के लोगों की काफी मदद और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। काफी खोजबीन के पश्चात माही का भी शव नहर से बरामद कर लिया गया है। हादसे की जानकारी होने पर एसडीएम अश्विनी पांडे, कोतवाल आरके सिंह, तहसीलदार गांव पहुंचे। सभी ने जांच कर बयान दर्ज किया है। कोतवाल ने बताया 3 मासूम बच्चियों सहित एक लड़के की मृत्यु हुई है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान जिलाधिकारी बहराइच मोनिका रानी ने ग्रामीणों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी होने के कारण नहर और नदी में स्नान करने कतई ना जाएं। वहां पर पानी अधिक होता है, जिससे कभी भी दुखद हादसा घटित हो सकता है। बच्चों की मौत हुई, कैसे हुई है? कैसे डूब गए? नहाने गए थे या कहीं? पता नहीं क्या कर रहे हैं। ननपारा के गिरधरपुर में काफी बड़ा हादसा हुआ है, कुछ बच्चों के डूबने की सूचना आई है, क्या है ये मामला? इसमें गिरधरपुर एक ननपारा तहसील में गांव है, तो वहां पर जो बच्चे खेलने के लिए गए थे और वहां पर उनकी डूबने से मृत्यु हुई है। यथाशीघ्र वहां पर राजस्व की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और बच्चों का पोस्टमार्टम इत्यादि कराया गया है और जो राहत धनराशि है वो उनको यथाशीघ्र कल ही प्रेषित कर दी जाएगी। आपके माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहती हूँ कि गर्मी की वजह से बिना ये जानकारी लिए कि कितनी गहराई में पानी है वहाँ पर ना जाएं और अपने बच्चों को भी उधर ना जाने दें, क्योंकि कई बार लापरवाही के कारण इस प्रकार की घटना हो जाती है। तो आपके माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहती हूँ कि गहरे पानी में बच्चों को जाने से रोकें।